सीधा बैंक अकाउंट में हर महीने ₹2,500 महीने के हर महीने की पहली तारीख हमारी जो बहने हैं वो जानेंगी, बैंक अकाउंट खोलेंगी और सरकार ने उस बैंक अकाउंट में ₹2,500 डाल दिए। गैस सिलेंडर ₹450 का होगा और 7 दिन राशन हर गरीब व्यक्ति को हर महीने मिलेगा। किसानों के लिए धान की MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ₹3,200 प्रति क्विंटल होगी। आज ₹2,400 है चुनाव के कम भाव, ₹3,200 प्रति क्विंटल आपको धान के लिए मिलेगा। गरीब लोग बीमार होते हैं, इलाज करने के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, दिल का दौरा होता है, स्टेंट लगानी होती है, गैस बदलना होता है, लाखों रुपए किसान की जेब से निकलते हैं, मजदूर की जेब से निकलते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। इसीलिए हम आपके लिए एक नई योजना ला रहे हैं, 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना। आप अस्पताल जाओगे, बीमार होंगे, माता पिता बीमार होंगे, दिल की बीमारी होगी, कैंसर होगा, आप अस्पताल में जाओगे, MRI करवाओगे, एक्सरे कराओगे, उसके बाद सर्जरी होगी और फिर आपको ₹1 नहीं देना पड़ेगा, फ्री में होगा। आप जाओगे कहोगे भैया ऑपरेशन के लिए कितना पैसा लगा, अस्पताल आपको कहेगा ₹1 नहीं लगा, ऑपरेशन का पैसा झारखंड की सरकार ने आपके लिए दे दिया है। आप ही रक्षा करना चाहते हैं, आप ही प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, जैसे ये संविधान आपकी रक्षा करता है, ये कांग्रेस पार्टी लड़कर लड़कर हम ये लाए, आपके साथ मिलकर हमने लड़ाई लड़ी और ये लाए और हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश सबका हो, सिर्फ अल्पतियों का नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इस देश में शांति से, प्यार से जीने का मौका मिलना चाहिए, किसान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको सही काम मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी लाइन, बेरोजगारों में लाइन लगा दी, हर प्रदेश में जाओगे आप जाओगे बेरोजगारी, नोटबंदी कर दी गई, गलत GST लागू कर दी, GST से फायदा अल्पतियों को होता है, टैक्स आप भरते हो, पैसा की जेब में जाता है, पेट्रोल आप भरते हो, पैसा की जेब में जाता है, नोटबंदी ने सारे के सारे छोटे बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, रास्ता साफ कर दिया अदानी अंबानी के लिए, तो रोजगार उन्होंने खत्म कर दिया और इसीलिए झारखंड की सरकार अगले 5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की पूरी कोशिश करेगी।